महंगाई किने लिया महंगाई लिया उपर सेंटर वाली सरकार ने अज 200 करोड़ रुपये अमीर टैक्स दे रहा सीधा ते गरीब 51,000 करोड़ रुपये दे रहा कि 51,000 करोड़ रुपये कितने दिने टैक्स टोल टैक्स दिने के नहीं देंदे पेट्रोल ते टैक्स दिने देंदे हो कि नहीं देंदे रेट देखो तुसी बीजेपी वाले ने कितों कितने करते 400 का सिलेंडर किने का मिलता दसो भैनों दसो अज 900 का मिलता कि नहीं मिलता बोलो दसो 900 का मिलता कि नहीं मिलता मिलता ना ते पेट्रोल पेट्रोल की कीमत 100 तो उत्ते होगी कि नहीं होगी दसो होई कि नहीं होई होई कि नहीं होई कोई दाल 100 तो घट है ते लोग कहते होंगे सी दाल रोटी खाओ प्रभु दे गुण गाओ ते ना दाल है गरीब नू ते ना रोटी है ओ बुजुर्ग कहती है गोंगलू खा खा पेट भर गया गोंगलू खा खा पेट भर गया बात ना पूछे कोई तरले मार दी बुरड़ी मर गई दाल खवा दो कोई ओ दाल खवा दो कोई और के जे दाल होगी 120 रुपये नू ते जे गैस का सिलेंडर 400 तो हो गया 920 रुपये नू ते जे पेट्रोल हो गया 50 तो 110 रुपये का कि मजदूर की दिहाड़ी 250 तो 500 हुई है दसो दसो हो दसो जड़े दिहाड़ीदार ने पलेदार ने किसी 250 मिलती है किसी 150 मिलती है ये 0.1% लोग अमीर हो तुरी जाते हैं ये 100 परिवारों का राज कायम करने माफिया का राज कायम करने पंजाब च वोटा नहीं पैनी ऐतकी पंजाब च वोटा ऐतकी पैनिया ने किसान दे लई गरीब दे लई मजदूर दे लई ते आम कामे दे लई और बीजेपी गंदियां गेमां खेड रही है बीजेपी ने ऑफिस खोलिया जलंधर 5 साल इन्हों किसी ने वड़न नहीं दिता 5 साल 3 साल तक किसानी मोर्चा 2 साल किसानी मोर्चा गदर पाउंदा रहा ते अज मैं इत्थे बोर्ड दे उत्ते लिखिया देखिया नरेंद्र मोदी जी की फोटो लाई ते नाल जलंधर दे विच उहदे किसे वर्कर की फोटो लाई ते उत्ते लिखिया बहुत बहुत मुबारक मोदी जी तुसी खेती कानून वापस ले ले मैं कहना वापस नहीं ले गल च गूठा दे के वापस दवाए जित किसानां दी ठोको ताड़ी जित बोले निहाल एक गल निहाल एक गलत फहमिया च ना रहो भी पंजाब नू पता नहीं ए जित बीजेपी दी नहीं ए जित किसान मजदूर एकता दी है उस पवित्र संगठन दी है पंजाब दी पग दी है जिन्हें सारिआं नू इकट्ठा रखिआ ते अज बीजेपी की कर रही है अज बीजेपी ने जलंधर खोल लिया ऑफिस ते जलंधर खोल के ऑफिस कहंदे है जिन्ने चोर इत्थे पॉलिटिक्स करदे है जिन्ने इत्थे माफिया वाले बंदे है उन्हां नू कहंदे है या ते करांगे अंदर नहीं तो आ जाओ साडे ऑफिस जलंधर बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है गल सही है कि नहीं ए बाहां मरोड़न वाली राजनीति ए जेलां च सिट के लोकां नू भजाउण वाली राजनीति ते जिन्ने चोर ने ना जदों बाहां मरोड़दे आ उहनां दी ते फिर वह किसे होर दे उत्ते उंगल चुकदे आ फिर वह भज्जण दा बहाना लभदे आ जिवें पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए उस तरह कांग्रेस चो भजन वालिआं नू भजन दा बहाना चाहिए ठोको ताड़ी टका के इनू समझना तुसी मैं तुहानू सारिआं नू कहना चाहुंना इनू समझना तुसी बीजेपी की इस राजनीति नू समझना तुसी ये भै दी राजनीति ये ईडी लिया के बाहां मरोड़ के मजबूर करके आपदे आप नू जॉइन कराउण दी राजनीति ये राजनीति पंजाब च नहीं चलनी एक धर्म नू दूजे धर्म नालों वड्डा बनाउण दी राजनीति पंजाब च तां इक्को राजनीति चलदी है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे कौन भले को मंदे पंजाब पंजाबीयत दे विच बन्निआ पंजाब पंजाबीयत नू मंदा पंजाब एके नू मंदा ते जड़े लोग सानू वंडण आ गए जड़े लोग अज बेअदबियां कराउंदे आ
जड़े लोग अज इत बंबा की गल कराते हैं उन्होंने यह समझ लेना चाहिए कि पंजाब के एके नूं तोड़ नहीं सकते। पंजाब का एका गुरुआ का है, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिंदा गुरां दे नाम, पंजाब जिंदा गुरां दे नाम। जो मैं कहूंगा वह पत्थर के उत्ते लकीर होगी। ऐतकी 5000 वैद्यां दा मैनीफेस्टो नहीं बनेगा, ऐतकी बाबा नानक दे हट साहब गुरुद्वारे दे उत्ते जिथे उन्हें 13-13-13 तोलिया सी 13 पॉइंट का एजेंडा बनेगा जड़ा सिर्फ गरीब मजदूर और किसान नू तोलेगा और अमीरां नू 1% अमीरां नू नहीं तोलेगा। सरदार लेकिन जे थोनू एक नवा पंजाब चाहिए, जे नौजवान नू रोजगार चाहिए, जे किसान नू MSP चाहिए है और कांग्रेस की सरकार MSP दे रही है ऐतकी दालां दे उत्ते ते तेल बीजां दे उत्ते हर किसान नू लीगल MSP दे रहे हैं।